चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जब नीट का रिजल्ट तैयार किया जाता है तो वो परसेंटाइल सिस्टम पर तैयार किया जाता है और परसेंटाइल से ऑल इंडिया रैंक तैयार की जाती है और ऑल इंडिया रैंक से आपका एडमिशन होता है। अब ये परसेंटाइल सिस्टम क्यों तैयार किया जाता है, डायरेक्ट मार्क्स से ही रैंक तैयार क्यों नहीं की जाती है, तो इसका जवाब यह है कि 50% क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, वो निकालने के लिए हम 50% देखते हैं कि कितनी मार्क्स पर ये 50% आती है, इसलिए परसेंटाइल सिस्टम यूज किया जाता है और बाकी रैंक भी परसेंटाइल पर ही तैयार की जाती है। अब इसमें जैसे एक से ज्यादा 2-3 शिफ्टों में एग्जाम होता है या 2-3 दिन को एग्जाम होता है, जैसे इस बार हुआ है 17 जुलाई को हुआ था और इसके बाद में अभी 4 सितंबर को हुआ, तो इसमें एक नॉर्मलाइजेशन सिस्टम यूज किया जाता है। तो ये नॉर्मलाइजेशन सिस्टम किस लिए यूज किया जाता है, कौन कौन सी कंडीशन में ये यूज किया जाता है, और ये भी ये 4 सितंबर को जब एग्जाम हुआ है तो क्या इसमें भी नॉर्मलाइजेशन सिस्टम यूज किया जाएगा, क्यों किया जाएगा, तो कैसे किया जाएगा, अगर नहीं किया जाएगा तो क्यों नहीं किया जाएगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे हम आपसे संपर्क कर लेंगे, आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं। अब देखते हैं, हम जब पहले एक ही एग्जाम होता था तो परसेंटाइल सिस्टम निकाला जाता था, पहले परसेंटाइल निकाला जाता था और परसेंटाइल के बाद में ऑल इंडिया रैंक तैयार की जाती थी। तो ये परसेंटाइल सिस्टम कैसे निकाला जाता था वो मैं आपको बता देता हूं। तो परसेंटाइल का ये फॉर्मूला ये है कि टोटल स्टूडेंट कितनी अपेयर हुए हैं एग्जाम में, मान लो 18 लाख स्टूडेंट एग्जाम में अपेयर हुए हैं, 18 लाख स्टूडेंट हुए हैं, उसमें आपकी पोजिशन क्या है, अगर आपकी हमने परसेंटाइल निकालनी है तो आपकी पोजिशन क्या है। मान लेते हैं यहां पर आपके 690 मार्क्स हैं, आपके 690 मार्क्स हैं, तो आपसे ऊपर के 7 कैंडिडेट्स हैं, तो यहाँ 7 कैंडिडेट्स हम पुट कर देंगे। उसके बाद में टोटल स्टूडेंट एग्जाम में कितने अपीयर हुए हैं वो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दिया है और इनटू 100 कर दिया है। तो जो परसेंटाइल इसमें निकल के आएगी वो परसेंटाइल आएगी 99.9996111, यानी ये 7 डिजिट में आती है परसेंटाइल। उसके बाद में ये परसेंटाइल निकलने के बाद ये हमारे को परसेंटाइल का मालूम चल गया। अब इस परसेंटाइल का मालूम चल गया तो हम इसमें रैंक का फॉर्मूला पुट करेंगे। रैंक का फॉर्मूला किस लिए पुट करेंगे, एक तो सिस्टम यह है कि आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर इनको आप रख दो, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर इनको आप रख दो, और डिसेंडिंग ऑर्डर में रखने के बाद इसमें रैंक आप डिसाइड कर लो। दूसरा तरीका यह है कि रैंक का फॉर्मूला यह है कि आपने रैंक के फॉर्मूले के लिए 100 में से आपकी परसेंटाइल यहां पुट करनी है और टोटल अपीयर स्टूडेंट यहाँ पुट करने हैं और 100 से डिवाइड करना है तो आपकी रैंक यहाँ निकल के आ जाएगी। अब लेकिन हम इसी तरह से रैंक फॉर्मूले में न पुट करके अगर परसेंटाइल को डिसेंडिंग ऑर्डर में पुट कर देते हैं तो हमारी रैंक भी निकल के आ जाती है, उसमें रैंक भी आ जाती है। तो ये तो हो गया परसेंटाइल निकालने का फॉर्मूला। NTA इसी फॉर्मूले से आपका परसेंटाइल निकाल के ऑल इंडिया रैंक तैयार करता है। इसमें परसेंटाइल निकलने के बाद में सबसे ज्यादा परसेंटाइल वाला कैंडिडेट ऊपर रहेगा, उससे कम परसेंटाइल वाले स्टूडेंट उससे नीचे रहेंगे। हम फर्स्ट कैंडिडेट को, जो फर्स्ट कैंडिडेट होता है उस कैंडिडेट को 100% मान के चलते हैं, क्योंकि जब हम फर्स्ट कैंडिडेट की परसेंटाइल यहाँ निकालेंगे तो यहाँ 18,000 हो जाएगा, अबोव स्टूडेंट इसके ऊपर 0 है, तो इस स्टूडेंट की जो परसेंटाइल हमारे सामने निकल के आएगी वो 100% निकल के आएगी। तो किसी भी दिन, कोई भी दिन एग्जाम हो, जो पहला स्टूडेंट होगा सबसे टॉप मार्क्स गेन करेगा उसकी परसेंटाइल 100% मानी जाएगी।
और फिर इन सबको उसकी डिसेंडिंग ऑर्डर में पुट करके रैंक निकाली जाती है। तो ये तो हो गया नॉर्मल, अगर एक ही एग्जाम होता है एनटीए का, नीट का, और उसके अकॉर्डिंग ये परसेंटाइल निकाल के रैंक तैयार किया जाता है। तो ये तो हो गया, एक ही दिन एग्जाम होगा तब इस प्रकार से। आपने देखा होगा अपने आपके रिजल्ट में परसेंटाइल आती है, उस परसेंटाइल से ही रैंक तैयार होती है, तो इस प्रकार से वो परसेंटाइल निकाली जाती है। अब हमारे सामने समस्या ये आ रही है कि दो पेपर हो गए, एक 17 जुलाई को पेपर हो गया और एक 4 सितंबर को पेपर हो गया, दो पेपर हो गए। मान लो ये पेपर थोड़ा सा क्या था, टफ था, ये पेपर थोड़ा सा टफ था और ये पेपर थोड़ा सा इजी था। तो इन दोनों में, ये टफ पेपर में और इजी पेपर में, दोनों को इक्वल करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन सिस्टम यूज करते हैं। इन दोनों को इक्वल करने के लिए नॉर्मलाइजेशन सिस्टम यूज करते हैं। वो कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो हमने 17 जुलाई को जो एग्जाम हुआ था उसमें पेपर टफ था, तो 690 मार्क्स जिस कैंडिडेट के आए उसकी पोजीशन 8 थी, यानी कि 7 कैंडिडेट उससे ऊपर थे। लेकिन 4 सितंबर को जिसमें एग्जाम हुआ, जिस स्टूडेंट के 690 मार्क्स आए उसकी जो पोजीशन थी 10 थी, यानी कि 9 स्टूडेंट उससे ऊपर थे, क्योंकि ये पेपर इजी था। इजी और हार्ड पेपर में ऐसा ही होता है कि इजी पेपर में बच्चे ज्यादा होते हैं, ऊपर मार्क्स ज्यादा आते हैं। तो यहाँ 690 वाले की हम अगर परसेंटाइल निकालेंगे, तो 690 वाले की परसेंटाइल निकालने के लिए एक हम मान लेते हैं यहाँ पर कि इसके अंदर जो स्टूडेंट अपेयर हुए थे वो स्टूडेंट, टोटल जो स्टूडेंट थे वो 3000 स्टूडेंट यहाँ पर हम मान के चलते हैं, अप्रोक्सीमेटली 3000 स्टूडेंट मान के चलते हैं। और इसकी पोजीशन हो गई यहाँ पर 9, इसकी पोजीशन हो गई यहाँ पर 9, और फिर 3000 से डिवाइड कर देते हैं हम, 3000 स्टूडेंट टोटल मान के चल रहे हैं, इससे हमने डिवाइड कर दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी जो परसेंटाइल आएगी वो 99.7000 यानी 7 डेसिमल तक आ जाएगी इसकी। तो आपने देखा है कि अब इसमें जो इजी पेपर है, जो इजी पेपर है उसकी परसेंटाइल स्टूडेंट की कम आई है, और जो हार्ड पेपर था, जो हार्ड पेपर था उसकी परसेंटाइल ज्यादा आई है। तो ये 1 नंबर रैंक पर होगा स्टूडेंट और ये 2 नंबर रैंक पर होगा, क्योंकि इसने इजी पेपर दिया है, इसने हार्ड दिया है, तो इसकी रैंक 1 होगी, इसकी रैंक 2 होगी। मतलब मेरा कहने का इसके डाउन रैंक होगी, 1 और 2 नहीं होगी, इसके डाउन रैंक होगी। जब इनका डिसेंडिंग ऑर्डर में ये पुट किया जाएगा तो ये पहले आएगा और ये उसके बाद में आएगा। तो इस प्रकार से 2 शिफ्टों के अंदर या फिर 2 दिन जो एग्जाम लगती है और उसका हम रिजल्ट तैयार करते हैं, तो इस प्रकार से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में उसका रिजल्ट तैयार कर लेते हैं परसेंटाइल निकाल करके। अब यहां पर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यहां पर ये है कि जब नीट का ये 2 का एग्जाम हो गया, 2 दिन का एग्जाम हो गया, इसमें नॉर्मलाइजेशन सिस्टम और परसेंटाइल सिस्टम यूज नहीं किया जाएगा, इसमें परसेंटाइल सिस्टम यूज नहीं किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन सिस्टम यूज नहीं किया जाएगा। इसमें जिस एग्जाम में, इस एग्जाम में 17th वाली जो एग्जाम में जितने मार्क्स आए थे वो पुट कर लिए जाएंगे, और 4 सितंबर वाली में जितने मार्क्स आए हैं वो पुट करके परसेंटाइल निकाली जाएगी, इसमें कोई नॉर्मलाइजेशन यूज नहीं किया जाएगा। अब क्यों नहीं किया जाएगा, इसमें तो टफ पेपर था और इसमें इजी पेपर था, तो परसेंटाइल यूज क्यों नहीं की जाएगी, नॉर्मलाइजेशन क्यों नहीं किया जाएगा यहाँ? तो नीट की जो ये 2 दिन की एग्जाम हुई है इसमें इसलिए यूज नहीं किया जाएगा नॉर्मलाइजेशन कि जो इसमें 4 सितंबर में, 4 सितंबर की जो एग्जाम थी उसमें अप्रोक्सीमेटली 3000 स्टूडेंट ही अपीयर हुए थे, और जो 17 जुलाई की जो एग्जाम थी उसके अंदर टोटल कैंडिडेट्स उसमें 18 लाख के नियर बाई अपेयर हुए थे। तो एक शिफ्ट में सिर्फ 3000 स्टूडेंट अपेयर हो रहे हैं और एक में 18 लाख स्टूडेंट अपेयर हो रहे हैं, तो इन दोनों को नॉर्मलाइजेशन हम नहीं कर सकते। अगर इस शिफ्ट में भी 4 सितंबर को भी 17 लाख, 18 लाख, 16 लाख यानी कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा होते,
तब हम इनको नॉर्मलाइजेशन कर सकते थे। अब मैं आपको बताऊं कि जो 4 सितंबर की 3000 ही कैंडिडेट्स थे इसमें, उसके अंदर आप नॉर्मलाइजेशन क्यों नहीं कर सकते। ये इसलिए नहीं कर सकते कि अगर हम इसका नॉर्मलाइजेशन देखें, इसका हम परसेंटाइल देखें एक बार, इसका परसेंटाइल देखें तो 50 परसेंटाइल कौन सी रैंक पर आता, कौन से मार्क्स पर आता है, तो इसका हम 50 परसेंटाइल देखेंगे तो तकरीबन 140 मार्क्स पर आएगा जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। क्योंकि हर बार हम नीट में परसेंटाइल 50 परसेंटाइल निकालते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए, और वो तकरीबन इसी रेंज पर आता है, कभी 120 आ जाता है, कभी 107 आ जाता है, मतलब तकरीबन कहने का मतलब इतनी सी रेंज पर आता है। ओबीसी के लिए 107 पर आ जाता है, 113 पर आ जाता है एससी एसटी ओबीसी के लिए, तो 50 परसेंटाइल इस पर आता है। ये मेरे गौर से सुनना आप, 50 परसेंटाइल 18 लाख स्टूडेंट में इस मार्क्स रेंज पर आता है। लेकिन जो 4 सितंबर को एग्जाम हुआ था, इसमें टोटल कैंडिडेट बैठे थे सिर्फ 3000, टोटल कैंडिडेट इसमें 3000 बैठे थे। अगर इन 3000 का आप 50 परसेंटाइल लगाओगे, यानी कि 1500 बच्चे ऐसे होंगे इस 3000 में से, 1500 बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने 300 से ऊपर का स्कोर किया हो, 300 से ऊपर का स्कोर किया हो, यानी कि इनका जो 50 परसेंटाइल है, इनका 50 परसेंटाइल हो सकता है 300 से ऊपर हो, क्योंकि इसमें स्टूडेंट ही कम बैठे हैं। तो जब इनका 50 परसेंटाइल जो है, 50 परसेंटाइल 140 आ रहा है और इसका 300 आ रहा है, तो इनको आप इक्वल नहीं मान सकते। ये स्टूडेंट के साथ में धोखा हो जाएगा, इसमें आप इसको इसके इक्वल नहीं मान सकते। ये तो 50 परसेंटाइल में काफी सारे मार्क्स आ रहे हैं इस बच्चे के इस शिफ्ट में, और इस डे के दिन 50 परसेंटाइल में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं 140 के नियर बाई। तो इसलिए इनमें हम जो नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है वो यूज नहीं कर सकते, नॉर्मलाइजेशन सिस्टम यूज नहीं कर सकते। अब जो एनटीए रिजल्ट निकालेगा वो इनके मार्क्स पर परसेंटाइल निकाल के 18 लाख स्टूडेंट से ही वो परसेंटाइल निकालेगा। कारण ये है कि अगर किसी स्टूडेंट किसी शिफ्ट में किसी डे में अगर सबसे कम बच्चे होते हैं, बहुत कम बच्चे होते हैं, जो लास्ट का स्टूडेंट होता है उसको सबसे बड़ा नुकसान भुगतना पड़ता है, उसकी परसेंटाइल बिल्कुल डाउन चली जाती है। लेकिन जो टॉप का स्टूडेंट होता है उसको बहुत ज्यादा फायदा होता है। अब टॉप वाले स्टूडेंट को इसमें फायदा कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि मान लो इसमें 3000 बच्चे हैं, मैं यहां पर सारा एग्जाम्पल के तौर पर ही बता रहा हूं, यहां 3000 बच्चे हैं, और फर्स्ट वाला इन 3000 बच्चों में फर्स्ट वाले स्टूडेंट के 620 मार्क्स आए हैं, टॉपर यही है 620 वाला। जब इस डे के दिन इस शिफ्ट के अंदर इसकी परसेंटाइल निकाली जाएगी तो ये 100 परसेंटाइल होगी, क्योंकि ये तो सबसे टॉप है और सबसे टॉप स्टूडेंट को 100 परसेंटाइल में माना जाएगा। तो जब एनटीए इनका नॉर्मलाइजेशन करेगा तो एक 620 वाला ही तो 100 परसेंटाइल ले गया और एक 715 वाला 100 परसेंटाइल ले रहा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हुए ना, ये इक्वल कैसे होंगे। एक 620 मार्क्स लेके आ रहा है और एक 715 लेके आ रहा है, दोनों को 100 परसेंटाइल मिल रही है, इसी का डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर रैंक निकाली जाएगी, तो ऐसा तो नामुमकिन है। और पेपर दोनों इक्वल से हैं, पेपर जो नीट के अभी पेपर आए हैं दोनों सेम से पेपर हैं। जब दोनों सेम पेपर हैं तो एक स्टूडेंट 620 वाला 100 परसेंटाइल लाता है, एक 715 वाला 100 परसेंटाइल लाता है, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं हो सकता, इस कंडीशन में नॉर्मलाइजेशन नहीं हो सकता। इसमें जब एनटीए रिजल्ट तैयार करेगा नीट का, इसमें जितने भी मार्क्स गेन किए हैं और इसमें भी जितने मार्क्स गेन किए हैं सभी को 18 लाख टोटल पेयर स्टूडेंट अप्रोक्सीमेटली के अकॉर्डिंग ये परसेंटाइल तैयार करके रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो स्टूडेंट को डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ये जो सिस्टम से तैयार किया जाएगा
वो मार्क से ही तैयार किया जाएगा, इसमें कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो स्टूडेंट को काफी नुकसान होगा, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि एक बार 2019 में भी जेई मेन में ऐसा हुआ था। जेई मेन में एक शिफ्ट में स्टूडेंट काफी कम थे और कम शिफ्ट वाले स्टूडेंट के जो परसेंटाइल आए थे वो काफी हाई आ गए थे ऊपर वाले स्टूडेंट के, टॉप स्टूडेंट के, और लोअर स्टूडेंट को उसमें नुकसान हुआ था। तो इस प्रकार से ये परसेंटाइल सिस्टम, इसमें नॉर्मलाइजेशन सिस्टम यूज नहीं किया जाएगा। ये मैंने आपको रीजन भी बता दिया है और इसका रैंक निकालने का सिस्टम भी बता दिया है और ये भी बता दिया है कि ये क्यों यूज नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से परसेंटाइल निकाल के रैंक निकाली जाती है, मैंने आपको ये एग्जाम्पल के तौर पर बताया है। तो मैं सोचता हूं आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये एनटीए का काम है, हमारा काम है एग्जाम देना, हमारा काम था। रैंक हमारी रिजल्ट आने के बाद पता लग जाएगी, जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।